अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शबान अली फ्रॉम लैंड होल्डर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वी डील इन 100+ प्रोजेक्ट इन ऑल ओवर पाकिस्तान। लैंड होल्डर के प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती हैं। इसी तरह एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो बैरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट के रिलेटेड है। सबसे पहले अक्सर क्लाइंट्स की हमें क्यूरी रिसीव होती है कि स्टूडियो अपार्टमेंट और वन बेड अपार्टमेंट में क्या फ़र्क है। स्टूडियो अपार्टमेंट बेसिकली एक हॉल होता है स्क्वेयर फिट के हिसाब से। उसके अंदर आपको बेड भी मिलता है, सोफ़ा भी मिलता है, अटैच वाशरूम और किचन, सेपरेट कोई चीज़ नहीं होती। वन बेड अपार्टमेंट में आपको सेपरेट वन बेड मिलता है, अटैच वाशरूम मिलता है और टीवी लॉन्च और किचन एक्सेसरीज मिलती है। इसी तरह सबसे पहले मैं पर्पज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें बाइंग करके इसमें रेजिडेंस रख सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा जो 5 मरले का घर है बैरिया टाउन के अंदर वो 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक मिलता है। हर बंदा उसको परचेज़ नहीं कर सकता, तो अपार्टमेंट इसमें बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट इसमें परचेज़ करके अपनी रिहाइश रख सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करता चलूँ तो स्टूडियो अपार्टमेंट आपको तकरीबन 32 लाख से लेकर 40 लाख तक की रेंज में मिल जाता है। वन बेड अपार्टमेंट की बात करता हूँ चलूँ तो अब वो 40 लाख से लेके 50 लाख की रेंज में आपको मिल जाता है। टू बेड अपार्टमेंट जो है वो आपको 72 लाख से लेके अराउंड 1 करोड़ की बजट में आपको मिलता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ तो इन्वेस्टमेंट जैसा कि इस्लामाबाद और कराची के बाद लाहौर में बहुत ट्रेंड चल रहा है अपार्टमेंट का, कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके आने वाले वक्त में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें 6 मंथ में पोजेशन चाहिए, 1 साल में पोजेशन चाहिए और 2 साल में पोजेशन चाहिए। हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट और टू बेड अपार्टमेंट तीनों कैटेगरी में 6 मंथ में पोजेशन वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है, 1 साल वाली भी ऑप्शन अवेलेबल है और 2 साल में पोजेशन वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है ऑन इंस्टॉलमेंट पर। आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इंस्टॉलमेंट पर आप इसको बाइंड करके अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करते हैं तो रेंटल इनकम की, तो बैरिया के अंदर वो 25 से 30 हज़ार जो है ना वो स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंट चल रहा है। वन बेड अपार्टमेंट के रेंट की बात करता चलूँ तो वन बेड अपार्टमेंट 30 से 35 हज़ार वन बेड अपार्टमेंट का रेंट चल रहा है। टू बेड अपार्टमेंट का 50+ रेंट जो है ना वो बैरिया के अंदर चल रहा है। फर्निश अपार्टमेंट और नॉन फर्निश अपार्टमेंट दोनों की ऑप्शन अवेलेबल है ऑन इंस्टॉलमेंट पर भी और रेडी टू मूव की। तो जिन क्लाइंट्स को बैरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट रिक्वायर्ड है तो वो ऑन स्क्रीन मेरा नंबर दे सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज क्लाइंट मुझे व्हाट्सएप और IMO पे अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।